Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn your chapter number 8, which is geometry. First let's understand what is geometry. Geometry is study of shapes. Okay, let's get started. Abhi dekhte hain pehle. Okay, here taking the question number 1, count and write the number of horizontal, vertical, slanting and curved lines. Okay, before starting the question, let's understand what are these horizontal lines, वर्टिकल लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स और कर्व्ड लाइन्स. व्हाट आर दीज, ये क्या होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन ली ऐसे. ओके, एक लाइन आई एम राइटिंग ड्राइंग लाइक दिस एंड वन आई एम ड्राइंग लाइक दिस. ओके, दीज आर फोर टाइप्स ऑफ लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग एंड कर्व. अब समझते हैं कौन सी है. ओके, सो हॉरिजॉन्टल इज समथिंग विच इज पैरेलल टू अर्थ, जो ग्राउंड जिसपे आप खड़े हैं. द लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन. पैरेलल आपको पता है ना, पैरेलल इज समथिंग लाइक आप किसी एक चीज़ को रेफरेंस लेके दूसरी लाइन या दूसरा ऑब्जेक्ट रख दें या दूसरी लाइन ड्रॉ कर दें. यू कैन से इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट लाइन्स, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, वो ऐसे भी हो सकती हैं. पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. दिस इज़ द रूल ऑफ पैरेलल लाइन. ओके, वील अंडरस्टैंड इट इन लेटर ऑन चैप्टर्स. फर्स्ट अंडरस्टैंड द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द ग्राउंड, जो कि जिस पे आप खड़े हैं उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, सेकेंड वन इज वर्टिकल लाइन. द लाइन विच इज ड्रॉन एट द 90-degree एंगल ऑफ द टू द ग्राउंड इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन. लाइक I am standing on the ground. Ground is like this and I am standing like this. So I am in vertical position. Okay, so if I draw a line parallel to myself, that would be a vertical line. So this one is vertical line. And slanted line is simple. Slant ka matlab hota hai thoda sa jhuka hua. It could be for this side or it could be this side. Okay, so this is slanted line. स्लैंटेड लाइन, बट इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं होगी. अब अगर हम कर्व की बात करें, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है जिसमें थोड़ा कर्व हो. ओके, सो द लाइन विच हैव अ लिटिल कर्व इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन. ओके, नाउ ये देखते हैं इसमें क्या करना है आपको. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग और कर्व्ड लाइन्स कितनी है जो गिवन इमेजेस हैं वो लिखना है. ओके, सो फर्स्ट वन देखते हैं. ये क्या है, एक काइट है. लेट्स काउंट. क्या इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है? पहले हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं. दिख रही है? नो 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 नो. सो हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है? जीरो. ओके, सेकेंड इज क्या है, वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन कितनी है? एक तो ये दिख रही है मुझे, सीधी लाइन जो दिख रही है, राइट, वन. और कोई दिख रही है क्या सीधी लाइन? नहीं. सो कितनी है वर्टिकल लाइन्स? वन. ओके, नेक्स्ट इज स्लैंटिंग लाइन्स. स्लैंटिंग लाइन्स कितनी है? अभी बताया ना, जो थोड़ी झुकी हुई है. एट सम एंगल द लाइन विच इज ड्रॉन एट सम एंगल इज कॉल्ड स्लैंटेड लाइन. ओके, काउंट करते हैं कितनी है. एक तो ये वाली है, राइट, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई. ओके, एक ये भी है और एक ये भी है. नाउ काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ मेनी स्लैंटेड लाइन्स आर देयर? 6 लाइन्स. ओके, नाउ कर्व्ड लाइन्स. क्या बताया था, जिसमें थोड़ा कर्व हो लाइन में उसे क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइन. ओके, सो कर्व्ड लाइन कितनी है यहाँ पे? एक तो ये दिख रही है मुझे, राइट, और एक ये दिख रही है, राइट. सो देर आर टू कर्व्ड लाइन्स. ओके, ये एग्जाम्पल देखते हैं. अगेन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है. लेट्स सी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल. ओके, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल. अगेन दिस वन इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल. और कोई है? नो. सो देर आर टू हॉरिजॉन्टल लाइन्स. ओके, नाउ लेट्स चेक वर्टिकल लाइन्स कितनी है. ऐसे सिर्फ मुझे ये एक ही दिख रही है, सो देर इज वन वर्टिकल लाइन. नाउ स्लेंटिंग लाइन्स कितनी है? अगेन द लाइन्स विच आर ड्रॉन एट सम एंगल लेस देन और ग्रेटर देन 90, बट इट शुडंट बी 90. अगर 90 है तो हो जाएगी वर्टिकल लाइन. ओके, सो दिस इज अ स्लेंटेड लाइन, दिस इज अ स्लेंटेड लाइन. और कोई है स्लेंटेड लाइन? नो. सो देर आर टू स्लेंटेड लाइन्स. नाउ कर्व्ड लाइन्स. ओके, ऑल ऑफ दीज आर डन डन डन. दिस वन इज रिमेनिंग, दिस इज कर्व्ड लाइन. सो वन. इन द सिमिलर वे आप इसमें भी देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1, 2. ओके, वर्टिकल लाइन कितनी है? 1, 2. ऑल राइट,
अब सॉरी स्लैंटेड लाइंस कितनी है, क्या इसमें कोई स्लैंटेड लाइन है? नो, देर इज नो स्लैंटेड लाइन. नाउ हाउ मेनी कर्व लाइन्स आर देयर? 1, 2 and 3. देर आर 3 कर्व लाइन्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. वेट, येस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हियर सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द शेप एंड काउंट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स ईच हैज. अब आपको क्या करना है, इन शेप का नाम लिखना है कि ये कौन कौन सी शेप है. ओके, एंड इसमें कितने फेसेस हैं, कितनी एजेस हैं और कितने कॉर्नर्स हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, इजी है. सो दिस इज द शेप ऑफ अ कोन, करेक्ट? ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फेसेस कितने हैं इसमें, कितने स्ट्रेट फेसेस हैं? टेल मी, कैन यू सी स्ट्रेट फेसेस इन दिस फिगर? यू कैन से स्ट्रेट फेसेस इज दिस, स्ट्रेट फेसेस दिस ओनली वन. ऑल राइट, कर्व्ड फेसेस कितने हैं? कर्व्ड फेस भी वन है. स्ट्रेट एजेस कितनी है? स्ट्रेट एजेस कितनी है? टू, देर आर टू स्ट्रेट एजेस. ओके, कर्व्ड एजेस कितनी है? वन. कॉर्नर्स कितने हैं? देर आर थ्री कॉर्नर्स. ओके, मूविंग ऑन दिस वन. वॉट इज द शेप? दिस इज स्फेयर. वॉट इज द शेप? स्फेयर. अगेन, स्ट्रेट फेसेस कितने हैं? जीरो. कर्व्ड फेसेस कितने हैं? वन. अगेन, वॉट इज दिस? स्ट्रेस, स्ट्रेट एजेस कितनी हैं? जीरो. कर्व्ड एजेस कितनी हैं? यू कैन से वन बिकॉज इट इज़ अ स्फेयर. ओके, कॉर्नर्स हैं? नो. सिमिलर वे में आप ये भी कर लेंगे दोनों. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हियर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, वो तो आपका था जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ज्योमेट्री. ओके, हियर फर्स्ट वील अंडरस्टैंड वॉट इज पॉइंट, वॉट इज लाइन सेगमेंट, वॉट इज लाइन एंड वॉट इज रे. रिमेंबर दीज फोर टर्म्स, राइट? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. लेट्स अंडरस्टैंड इट. इफ यू हैव अ डॉट, लाइक ड्रॉ अ डॉट, दिस इज अ पॉइंट, करेक्ट? This is a point if I draw. Okay, so point is a very small dot. Got it? Point बहुत simple है. Let's understand line and line segment and ray. Try to understand. ये सब खींची सीधी जाती हैं, सीधी ही line है. But इसमें difference क्या है, इसको कैसे identify करना है? Let's understand this. Line segment की अगर मैं बात करूँ, these are a straight path between two points. अगर मुझे two fixed point दे दिए, right? If I say that you are going from your school to your home, there are two fixed points, right? And your home is in the straight line to the school, and you are moving from your school to home. That line which is drawn, or that path you are covering, is a line segment. Okay, here you can see, if I name this as A point and this is a B point, in dono ke beech mein jo line hogi, that will be called as line सेगमेंट. ओके, इजी है? नाउ अंडरस्टैंड इट. लाइन और रे में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप उसे ध्यान से समझें तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा. लाइन सेगमेंट को अगर दोनों साइड में वो इन्फिनिटली एक्सटेंड हो रही है, देर इज नो लिमिट, तो वो क्या हो जाती है? लाइन. अंडरस्टैंड इट. अगर एक लिमिट है, इफ देर आर टू गिवन पॉइंट्स और उसके बीच में लाइन है, तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट. But if there is no limit, endlessly line is going on to the both the sides, then it is called line. As you can see, यहाँ कोई point है defined? नहीं है, right? ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, and it can go up to any point. Now understand what is ray? Ray is a part of a line. It starts at a point and extend endlessly to one side. Ray और line में यही difference है कि line दोनों side में extend होती है, ray में एक side पे एक fixed point होगा और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंडलेसली ट्रेवल कर रही होगी. इफ आई से, इफ आई गिव यू अ एग्जांपल ऑफ दिस, यू मस्ट हैव सीन टॉर्च, और मे बी यू कैन सी द मोबाइल फोन्स टॉर्च, राइट? सो उसमें क्या है, एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से लाइट स्टार्ट हो रही है, करेक्ट? द टॉर्च, एंड देन लाइट इज मूविंग इनफाइनाइटली इन स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दैट आर कॉल्ड रे. तभी तो हम बोलते हैं ना लाइट रेज, करेक्ट? जैसे सन से भी सन रेज आती है, सन इज द सोर्स, और जो उसकी रेज आ रही है, दोज आर कमिंग टू द अर्थ. ओके,
इजी है, एक्सरसाइज की हेल्प से थोड़ा सा और समझते हैं इसको. लेट्स नेम देम. अभी समझाया एक फिक्स पॉइंट है और एक एंडलेसली जा रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड रे. ओके, टू फिक्स्ड पॉइंट के बीच में एक लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ इफ अ लाइन इज ड्रॉन एंड देर इज नो लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, देन दिस इज कॉल्ड सिंपली लाइन. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड लाइन सेगमेंट. अगेन लाइन सेगमेंट क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे टू फिक्स पॉइंट है, कोई भी इमेज ले लो, टू फिक्स पॉइंट है, इसके आगे ये लाइन्स नहीं जा रही हैं. सो दीज आर लाइन सेगमेंट्स. कोई भी फिगर्स जो मिलके बन रही है वो लाइन सेगमेंट्स से मिलके बनती है, ना कि लाइन से. रिमेंबर दिस. ओके, नॉट फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड लाइन सेगमेंट. ओके, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 1, 2, 3. सो देर आर 3 कॉर्नर्स. ओके, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 1, 2, 3. 3 लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन, सॉरी, लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 नंबर ऑफ कॉर्नर्स. अगेन इसमें देखते हैं, 1, 2, 3, 4. 4 लाइन्स आर देयर, 1, 2, 3, 4. And four corners are there. Four corners, four lines. In the similar way, four lines, four corners. Okay. अब इसमें देखें, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines. Corners कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 corners. Okay. Now let's see this one. Join the points to draw as many line segment as you can. Okay. Now you have to draw अ लाइन सेगमेंट. आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं तो मैं कैसे लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, एक ऐसे, और किसी तरीके से करी जा सकती है यहाँ पे ड्रॉ, नहीं करी जा सकती, राइट. अगर मैं और भी करूँगी, इधर से अगर लेके जाऊँगी तो इसी के ऊपर आएगी, करेक्ट. सो देर इज़ ओनली वन वे, जहाँ जैसे यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से लाइन ड्रॉ हो सकती है और लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है 2 पॉइंट्स के बीच में, देर इज ओनली वन वे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगर मैं यहाँ देखें, यहाँ हमें 3 डॉट्स दिए हैं. ओके, अगर मैं पहले ये पॉइंट अगर लूँ, इसको मैं इससे भी मिला सकती हूँ, इसको इससे भी मिला सकती हूँ. और कोई तरीका है इसको कहीं और मिलाने का, नहीं. अब इस पॉइंट पे आओ, इसको इससे मिला सकते हैं, तो मिला दिया ऑलरेडी, इसको इससे मिला सकते हैं. ओके, अब इस थर्ड पॉइंट को देखते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, और यू कैन से लाइन सेगमेंट वहाँ से वहाँ तक ले सकते हैं. ये आपका बन गया स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल. इसके अलावा क्या किसी और तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा जा सकता है, कोई और लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनाया जा सकता है, नो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काउंट एंड राइट द नंबर. अब आपको यहाँ पे काउंट करने हैं और राइट करने हैं नंबर. जैसे यहाँ पे पूछा है लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, अभी बताया टू फिक्स पॉइंट में के बीच में जो लाइन बनाई जाती है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं. सो 1, 2, 3, 4. अब नाउ देर मस्ट बी अ कन्फ्यूजन कि मैम यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, बट दिस इज अ इनविजिबल पॉइंट, यू कैन से. यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट दिस इज अ लाइन सेगमेंट. अगर यहाँ पे एरो होता बना हुआ तो ये हो जाती लाइन, बट यहाँ पे एरो नहीं बना हुआ है तो ये लाइन सेगमेंट है. तो कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 4. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं रेज कितनी है. ओके, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. अब यहाँ से रेज निकल रही हैं, करेक्ट. सो 1, 2, 3, 4, 5. देर आर 5 रेज. लाइन्स कितनी है, इस बार आपको लाइन्स फाइंड आउट करनी है, अंडरस्टैंड इट. रेज नहीं फाइंड आउट करनी है. अगर आपको रेज फाइंड आउट करनी होती, आप फिक्स पॉइंट लेते और उससे देख लेते कितनी हमारी रेज निकल रही है, करेक्ट. बट हमें लाइन फाइंड आउट करनी है तो हमें ऐसी लाइन देखनी है जो दोनों तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंड हो रही हो. सो एक तो ये दिख रही है मुझे, एक ये दिख रही है, इसके अलावा कोई है क्या, क्या ये ऐसे एक लाइन है, नो, दिस इज नॉट अ लाइन. सो यहाँ पे लाइंस कितनी है, सिर्फ 2. अंडरस्टूड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ मेजरिंग द लाइन. आई नो यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट मेजरिंग, लाइक यूजिंग द स्केल, करेक्ट. बट उसको एक बार देख लेते हैं क्विकली, ठीक है. आपने स्केल देखी होगी, ऐसी होती है आप लोगों के पास, करेक्ट. अब आपको मैं, इफ आई से मेरे पास ये पेन है, मुझे इसे मेजर करना है, तो कैसे करूँगी, इसको रखूँगी स्ट्रेट और स्ट्रेट इसके नीचे स्केल रख के इसको मेज़र कर लूँगी, राइट. और जिस भी मार्क तक मेरा पॉइंट करेगा, जैसे सपोज मैं अपनी, अगर ये पेंसिल को अपना पेन मान लूँ, मैंने ये यहाँ रखा है और ये 7 तक पहुँच रहा है, सो इसकी लेंथ कितनी हो गई,
7 centimeter. And one more thing to remember, यहाँ पे एक 0 centimeter होता है, एक 1 centimeter. तो आपको जो मेजर करना होता है वो कहाँ से रख के करना होता है, 0 centimeter से. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, सो स्टेप्स हैं उसके, कीप द पेंसिल अलॉन्ग द स्केल वन एंड एट द 0 mark. वही मैंने आपको अभी बोला, 0 से हमेशा स्टार्ट करना है. ओके, रीड द स्केल मेजर्स एट द अदर एंड ऑफ द पेंसिल. जो मैंने बोला यहाँ पे रीड करो जहाँ तक ये पहुँच रही है, और जो भी है वो उसकी लेंथ हो जाएगी. हियर पेंसिल की लेंथ कितनी है, 7 centimeter. नाउ अगर एक लाइन सेगमेंट आपको दिया है उसको आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, अगेन स्केल को एक पॉइंट पे रखोगे 0 पे, करेक्ट, और दूसरे पे वो जहाँ तक भी आ रहा होगा उसको रीड करके आप निकालोगे. सो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 5 centimeter. ओके, नाउ अंडरस्टैंड एरर लोग, मतलब आप बच्चे कहाँ पे गलती कर होती है आप लोगों से या हमसे भी, किसी से भी कहाँ गलती होती है. एक जो मैंने बताया, ऑलवेज रिमेंबर कहाँ से मेजरिंग स्टार्ट करनी है, 0 से. सो दिस इज़ रॉन्ग आंसर, करेक्ट, बिकॉज मैं यहाँ 0 पे रखना भूल गई स्केल को. अगेन अब इसमें क्या है, इसने क्या किया, इसको लाइन सेगमेंट को 0 पे रखा, तो कितना इसका आया, 7 centimeter. इज दिस करेक्ट, येस, यही तो हमने अभी सीखा, आपको 0 से मेजर करना है. सो दिस आंसर इज करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है. यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे राइट डाउन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट दिए हैं और यहाँ पे स्केल दिए, आप लेंथ मेजर करके लिखो. तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, येस, ओके, मतलब सही तरीके से मेजर हो रहा है. अब देखो इसकी टिप कहाँ पे एंड हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, 7 पे. तो इसकी लेंथ कितनी हो गई पेंसिल या कलर पेंसिल की, 7 centimeter. ओके, नाउ अब हम इस चम्मच की देखते हैं, स्पून की लेंथ देखते हैं. 0 से स्टार्ट किया है, यस, कहाँ पे एंड हो रही है, 8 पे. तो कितने सेंटीमीटर की आपकी स्पून है ये, 8 centimeter. सिमिलरली आप इसको भी देख लेंगे, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, यस, कहाँ एंड हो रहा है, 12 पे. तो कितने सेंटीमीटर की है ये स्टिक, 12 centimeter. अब ये लाइन सेगमेंट्स आपको मेजर करनी है, ये आप अपनी बुक में खुद से कर सकते हैं. जस्ट टेक आउट योर स्केल्स और उसको यहाँ पे 0 से रखो और उसको मेजर कर लो. सिमिलरली आप सारी लाइंस को मेजर कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे, अभी तो हम मेजर कर रहे थे लाइन सेगमेंट को, अब हमें उसे ड्रॉ करना है. ओके, लेट्स ड्रॉ इट. यू कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ यूजिंग अ स्केल एंड पेंसिल. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नीड अ स्केल, बिना स्केल के स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, करेक्ट. नाउ उसके स्टेप्स हैं, कीप द रूलर ऑन द पेपर, फर्मली प्रेस इट बाय वन हैंड. ऑब्वियसली उसको एक जगह पर रख लो. अगर आपकी स्केल मूव होती रहेगी, क्या आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट. मार्क द शार्प पेंसिल पॉइंट अगेंस्ट द 0 mark, राइट. हमें कहाँ से मेजर करना होता है, 0 point से. तो ड्रॉ भी करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 point पे. वहाँ पे एक मार्क बना लो. मार्क द शार्प पेंसिल पॉइंट एट 8 centimeter, बिकॉज यहाँ पे हम 8 centimeter की, जस्ट सपोज एक लाइन बना रहे हैं, तो एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया 8 centimeter, क्योंकि मुझे इसकी बनानी है. अब दोनों पॉइंट को स्केल रख के हमने ज्वाइन कर देना है. ओके, ईजी है, लेट्स मूव ऑन. वेट, ओके, हियर इज योर एक्सरसाइज. बच्चा ये आपको खुद करनी पड़ेगी, यहाँ मैं स्केल और पेंसिल रख के ड्रॉ नहीं कर सकती. सिंपली आपको क्या करना है, एक स्केल लेनी है. जस्ट सपोज दिस इज अ स्केल, तो उसका जो यहाँ पे 0 mark होगा वहाँ से, और जस्ट सपोज 12 mark यहाँ आए, तो आपको यहाँ क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ बना लेना है, एक पॉइंट यहाँ. अब स्केल रख के दोनों को यहाँ पे एक दूसरे से मिला देना है. ओके, इन द सिमिलर वे आप ये सब भी ड्रॉ कर सकते हैं. मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज क्लोज फिगर्स. नाउ विल अंडरस्टैंड वॉट इज क्लोज फिगर एंड वॉट इज ओपन फिगर्स. ओके, सो इन दिस इमेज यू कैन सी आई एम स्टार्टिंग टू ड्रॉ समथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंडिंग एट दिस पॉइंट. आर माई स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम? नो, दे बोथ आर डिफरेंट. इफ द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट इज डिफरेंट, आई विल नॉट गेट अ क्लोज इमेज, क्लोज ऑब्जेक्ट और अ क्लोज इमेज, यू कैन से एनी थिंग, करेक्ट. सिमिलरली यहाँ देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ कर दिया, लेकिन एंड यहाँ हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मिले? नो. सो दिस विल नॉट बी अ क्लोज फिगर. सिमिलर वे में ये देखो, राइट, ऐसे ही ये है, कहीं पे भी क्लोज नहीं हो रहा है ये. अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मेरा मिल नहीं रहा है. सो दीज टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड ओपन फिगर्स. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं आप क्लोज फिगर क्या है.
देखते हैं, मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू किया, पहले ये लाइन खींची, फिर ये लाइन खींची, फिर यहाँ से ये लाइन खींची, यहाँ से ये लाइन खींची। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये था। एंडिंग पॉइंट क्या हुआ? सेम हुआ। तो क्या मिली? एक क्लोज्ड इमेज, करेक्ट। ऐसी इसी में एक और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँ, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, देन ऐसे ड्रॉ किया, देन अगेन यहाँ आ गई। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? यही था। और एंडिंग पॉइंट क्या है? यही है। सो आई विल गेट अ क्लोज्ड फिगर। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्लोज फिगर जैसे कि ये एग्जाम्पल है, वेट, जैसे क्लोज फिगर के आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, क्या क्या है? ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है। ओके, अब इसको देखते हैं। दीज क्लोज फिगर्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, करेक्ट। ऑल ऑफ देम कंटेन्स ओनली स्ट्रेट लाइन, किसी में भी कर्व लाइन नहीं है। ओके, दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। क्या बोलते हैं इनको? पॉलीगन्स। कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। पॉली मीन्स होता है मल्टीपल। ओके, मल्टीपल साइड किसी एक फिगर में है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ओके, अब उसको अलग अलग जितनी उसकी साइड्स आती रहेंगी उतने उसमें उसे डिफाइन करते रहेंगे। जैसे इसमें फाइव साइड्स हैं तो इसको कैसे बोल दिया? क्या नेम दे दिया? पेंटागन। गन सेम रहा लास्ट का, पॉली की जगह क्या आ गया? पेंटा, विच इज फाइव। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आगे। एंड वन मोर थिंग बेटा, ये तो सिंपल है ना, ये मैंने बताया नहीं, क्योंकि थ्री साइड्स हैं तो सिंपली क्या है? ट्राइंगल है। फोर साइड्स हैं तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं? बिकॉज फोर साइड रेक्टेंगल में भी हो सकती हैं, स्क्वायर में भी हो सकती हैं। यहाँ ये कोई फिक्स नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर ही होंगे या रेक्टेंगल ही होंगे। क्वाड्रिलेटरल दोनों में से कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन मैंने अभी बताया, वो पेंटागन को हमने कैसे लिखा? जिस भी फिगर की मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होती है जो भी फिगर, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन। और फिर जितनी लाइन जैसे जैसे आती रहेंगी, जैसे फाइव लाइन्स थी तो पेंटागन, सिक्स लाइन आ जाएंगी तो हेक्सागन, ऐसे ही हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें फोर साइड्स होती हैं। इट इज़ नॉट डिफाइंड कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। उसको अब देखते हैं क्या रेक्टेंगल होता है और क्या स्क्वायर होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। अब रेक्टेंगल अगर आप एक देखो यहाँ पे, इफ़ आई टेक दिस एग्जांपल, सो दिस लाइन सीम्स टू बी इक्वल, करेक्ट, एंड पैरेलल। पैरेलल कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था, करेक्ट। अगेन दिस लाइन एंड दिस लाइन अगेन सीम्स टू बी पैरेलल एंड इक्वल। सो दैट इज वॉट इट यहाँ पे लिखा हुआ है। अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे रेक्टेंगल में तो क्या है, ये वाली दोनों इक्वल हो गई, ये वाली दोनों इक्वल हो गई, पर क्या ये चारों इक्वल हैं? नो, बट यही लाइन अगर मैं फोर इक्वल ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर, जो कि आप ये यहाँ पे भी देख सकते हो, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, देखते हैं थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा क्लोज्ड और ओपन फिगर्स क्या होती हैं। यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई द क्लोज्ड फिगर्स एंड कलर देम। जो भी क्लोज फिगर है कलर करो उसमें। सो इज इट अ क्लोज फिगर? लेट्स सी। इफ आई एम स्टार्टिंग टू ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, आई विल ड्रॉ दिस लाइन, दिस लाइन, देन दिस, दिस एंड दिस। क्या मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है? नो, सो दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। ओके, अब इसे देखते हैं। अगर मैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, जैसे सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, सो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे एंड ऐसे। अगेन, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं पे आके एंड हो रही हूँ, तो ये है क्लोज फिगर। आप इसमें कलर फिल कर सकते हो। इन द सिमिलर वे आप इसको देख लो, ये भी एक क्लोज फिगर है, इसमें भी कलर फिल कर सकते हो। अब इसको अगर मैं देखूँ, मैंने एक कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ करी, दूसरी ऐसे ड्रॉ करी, क्या दोनों में से किसी का भी एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? नो, सो दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। लेट्स मूव ऑन। अब अभी मैंने बताया पॉलीगन्स क्या होते हैं। इसमें ये सेकेंड क्वेश्चन में आपको वही करना है, पॉलीगन आइडेंटिफाई करो और उसको कलर करो। पॉलीगन क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, करेक्ट। मल्टीपल स्ट्रेट, मोर देन फोर, फोर तक तो क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। थ्री होता है ट्राइंगल, फोर होता है क्वाड्रिलेटरल,
और फोर के अवब जितनी भी लाइन से मिलके बना हुआ होता है उसको बोलते हैं क्या, पॉलीगन। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रेट। लेट्स सी, ओके दिस इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बट दिस इज अ कर्व्ड लाइन सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। लेट्स मूव ऑन। ओके स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ओके दिस इज अ पॉलीगन। नाउ इज दिस अ पॉलीगन, 1, 2, 3, 4, दिस इज कंटेनिंग फोर साइड्स एंड फोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, करेक्ट। बट फोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। सो इज दिस अ पॉलीगन, नो। इज दिस अ पॉलीगन, नो। यहाँ पे ऐसे दो स्ट्रेट लाइन है एंड देन दो कर्व लाइन है तो ये भी पॉलीगन नहीं है, ओके। मूव ऑन, ड्रॉ द फॉलोइंग, ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कितनी साइड होती हैं, ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री कॉर्नर्स होते हैं। वो थ्री किससे बनी हुई होती है, थ्री कॉर्नर्स आई मीन थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई होती है। सो दिस इज ट्राइंगल। रेक्टेंगल अभी हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल इज अ फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। आई विल ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो ना तो रेक्टेंगल हो और ना ही स्क्वायर हो। उसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ देखा, ना तो ये स्क्वायर है ना ही ये रेक्टेंगल है। सो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सिंपली जिसमें फोर साइड्स हों, करेक्ट। सो 1, 2, 3, 4, देर आर फोर लाइन सेगमेंट्स, सो मैंने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल, ओके। मूव ऑन, लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सर्कल। अब सर्कल इज वेरी इजी, हम इवन अपनी डेली लाइफ में भी सर्कल्स देखते हैं, करेक्ट। अब अंडरस्टैंड करते हैं क्या क्या देखते हैं डेली लाइफ में। प्लेट देखी है सबने अपने घर पे, दैट इज ऑल्सो इन सर्कल शेप, ओके। बटन्स होते हैं हमारी शर्ट में, वो भी सर्कल शेप में होते हैं। कॉइन होता है, सर्कल शेप में होता है। या डोनेट्स आपने खाया होगा, सो डोनेट भी सर्कल शेप में होता है। अगेन वॉच होती है घर पे, सबके घरों पे है, तो वॉच किस शेप में है, सर्कल शेप में। इवन आई एम वेयरिंग अ वॉच, ये भी किस शेप में है, कैन यू सी इट, इन सर्कल। सो द फिगर विच इज राउंड इज कॉल्ड सर्कल, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड, दे ऑल हैव द सिमिलर शेप, यस। हाउ कैन यू डिस्क्राइब दी शेप, अब देखते हैं। दे आर ऑल राउंड इन शेप एंड अ राउंड शेप ड्रॉन ऑन अ पेपर इज कॉल्ड सर्कल। राउंड है ऑब्वियसली, सर्कल पता है ना, एक राउंड शेप जो है उसी को हम सर्कल बोलते हैं, उससे बनाया होगा, ओके। सर्कल इज अ क्लोज फिगर, इट हैज़ वन कर्व साइड एंड नो कॉर्नर, एक ही कर्व साइड है। व्हाई आई एम सेइंग वन कर्व साइड, ये दो कर्व से नहीं मिलके बनाया, ऐसे एक यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करा और यहाँ क्लोज हो गया, सॉरी, ये परफेक्ट सर्कल नहीं बना। आप लोग स्केल से, सॉरी कंपस से बना सकते हैं। सो मैंने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट की एक लाइन ड्रॉ करना, उसको यहाँ पे एंड किया, करेक्ट। तो ये एक ही तो कर्व लाइन हुई, एक ही कर्व लाइन हुई ना, सो कितनी कर्व लाइन है, एक। क्या इसमें कोई कॉर्नर दिख रहा है सर्कल में, नो। सो कॉर्नर्स कितने होंगे इसमें, ज़ीरो, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर डीपली, लाइक इसको कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं। रिमेंबर थ्री वर्ड्स, लाइक डायमीटर, सेंटर एंड रेडियस। टू ड्रॉ एनी सर्कल रिमेंबर ओनली थ्री वर्ड्स, डायमीटर, सेंटर एंड रेडियस, ओके। नाउ लेट्स रीड इट आउट। कट आउट द सर्कल यू हैव ड्रॉन, फोल्ड इट सो दैट द टू पार्ट्स आर एग्जैक्टली ओवर ईच अदर एंड द शेप यू गेट इज सेमी सर्कल। और यू कैन से इफ आई डिवाइड दिस फिगर इन टू इक्वल पार्ट्स विद अ स्ट्रेट लाइन, तो जो दो पार्ट्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल, जैसे कि ये बना है। और सिंपल, जैसे कि इसमें बोला, आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जस्ट कट अ सर्कल। आप एक सर्कल ड्रॉ करो कंपस की हेल्प से, उसको कट करो, कंपस की हेल्प से कर लो या किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट कीप अ कॉइन और कॉइन के चारों तरफ लाइन ड्रॉ करके आप एक सर्कल बना सकते हो, करेक्ट। अब उसको कट कर लो, उसको कट करने पे उसको इक्वली फोल्ड करोगे जब आप, तो जो फिगर बन के आएगी वो ऐसी कुछ आएगी, करेक्ट। जो आपके पेपर की शेप हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। अब
आपने फोल्ड कर लिया, अब उसको ओपन कर लो, तो जो एक लाइन बनी, जो एक क्रीज बनी पेपर में, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, जस्ट वेट अ मिनट, ये सर्कल के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, ऑलराइट, कहाँ होनी चाहिए, अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं, ऑलराइट, लाइक दिस, ओके, सो वन सेकेंड, ओके, दिस इज अ डायमीटर। हियर यू कैन सी, मैंने सेमी सर्कल को अनफोल्ड किया, जो कि फोल्ड करा था मैंने पेपर, उसको अनफोल्ड किया, तो जो यहाँ पे एक क्रीज बन के आई वो क्या होती है, डायमीटर। अगेन जब मैंने उस सर्कल को ऐसे फोल्ड किया था, अगर मैं उसको एक और बार फोल्ड कर दूँ, देखते हैं ना, फोल्ड द सर्कल अगेन अलोंग द डिफरेंट लाइन, अ न्यू क्रीज इज ऑल्सो अ डायमीटर। आप सर्कल, क्योंकि सर्कल क्या है, एक ही कर्व लाइन है, आप उसे कितनी किसी भी साइड से फोल्ड करो, जो भी लाइन ड्रॉ होंगी इसके बीच में, लाइक अगर मैं यहाँ से कर लूँ, बट इट शुड पास फ्रॉम द सेंटर फर्स्ट, आई विल टेल यू द सेंटर, बट आप इसको टू इक्वल पार्ट्स में कहीं से भी मोड़ेंगे, कहीं से भी, एट एनी पॉइंट, तो ये जितनी भी जगह से आप मोड़ेंगे वो सब क्या है, डायमीटर। ओके, अब एग्जैक्टली जब आपने ऐसे किया तो सारे पॉइंट्स या सारी लाइंस जहाँ मिल रही हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, जो हमने फर्स्ट थिंग सीखी यहाँ पे। दूसरी थिंग सीखी हमने सेंटर कैसे निकालना है, तो आपने एक बार फोल्ड किया, फिर कहीं और से सर्कल को दोबारा फोल्ड कर दो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको अपोजिट ही फोल्ड करो या कैसे भी, कहीं से ही फोल्ड कर लो, और दोनों जगह पे जहाँ पे वो फोल्ड मैच कर रहे होंगे वो जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर। ओके, मूविंग ऑन, अब थर्ड, हम मैंने क्या बोला था, तीन टर्म्स याद रखने हैं हमेशा सर्कल के लिए, डायमीटर, सेंटर एंड रेडियस। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियस, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने सेंटर तो सीख लिया कि जहाँ पे दो लाइन आके इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको, उसको क्या कहेंगे, सेंटर। बट रेडियस कैसे निकालें, इस सेंटर से इस सर्कल की एज तक जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखते हैं, ये सेंटर निकाला, जस्ट सपोज इस सेंटर से इस सर्कल की एज तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। और सिंपली यू कैन से पूरी लाइन क्या है, ये जो पूरी लाइन ड्रॉ की थी, डायमीटर, और इसको मैंने हाफ में अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेडियस। सो आई कैन राइट इट डाउन एज डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ओके, और रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि मैंने बोला, अगर डायमीटर को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, रेडियस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। पॉइंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, अगर मैं एक पॉइंट कहीं ड्रॉ कर रही हूँ और एक सर्कल है वहाँ पे मेरे पास, तो मुझे ये समझना है कि वो इंटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पे है या ऑन द सर्कल है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो देखते हैं। चलो, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, करेक्ट। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉइंट ए, ये कहाँ पे बना हुआ है, सर्कल की एज पे, करेक्ट। और एज पे और कौन से बने हुए हैं, चल देखते हैं, मूव करके यहाँ पे बी बना हुआ है, सी बना हुआ है। सो ए बी सी, ये कहाँ पे बने हुए हैं, सर्कल की एज पे, तो ये क्या हो गए, ऑन द सर्कल। ओके, एज यू कैन सी ए बी सी आर ऑन द सर्कल। ओके, अदर पॉइंट्स देखते हैं, पहले सर यहाँ देखते हैं बीच में जो कलर्ड पोर्शन में बने हुए हैं वो कौन कौन से पॉइंट है, पी ओ क्यू, क्यू ओ पी, राइट। सो दीज पॉइंट्स आर इनसाइड द सर्कल, जो भी मैंने लाइन ड्रॉ करी है। जस्ट सपोज, फिर इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पेपर कट किया था, सर्कल बनाया, फिर उसको कट किया, कट करने के बाद जस्ट कीप इट ऑन अ ब्लैंक पेज, आप कहीं कहीं पे आप पॉइंट ड्रॉ करना शुरू करो। जस्ट सपोज यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पास, मानते हैं हम कि ये मेरे पास एक प्लेन शीट है जिस पे मैंने एक येलो कलर का सर्कल कट करके रख लिया है। अब मैंने पॉइंट ड्रॉ करने शुरू करे, जो मैं उसकी लाइन पे बनाती जा रही हूँ,
तो वो तो ऑन द सर्कल बन रहे हैं, करेक्ट। अगर मैं उस सर्कल जो मैंने काट के रखा हुआ है उसके यहाँ पे ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले रही हूँ तो वो क्या आएगा, इनसाइड द सर्कल। और कोई भी पॉइंट में एक्स वाई जेड कुछ भी अगर मैं यहाँ अपने जो व्हाइट शीट मैंने रखी है वो बन उस पर ड्रॉ कर रही हूँ तो क्या हो जाएंगे, वो आउटसाइड द सर्कल। इजी है, सिंपल है। जो इनसाइड आउटसाइड आप पढ़ते हो ना कि इनसाइड का मतलब क्या होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब क्या होता है बाहर, सिमिलर वे में इसमें भी है। इनसाइड मतलब सर्कल के अंदर और आउटसाइड मतलब सर्कल के बाहर। और ऑन द सर्कल है सर्कल की जो एज है हमारी, जो कर्व लाइन है जिससे सर्कल बन रहा है उस पर जो पॉइंट है वो है ऑन द सर्कल। ओके, ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम सर्कल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, अब ये हैं करेक्ट, इनके बीच में अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो इन लाइन्स को क्या कहते हैं, दिस इज अ, ओ आई एम सॉरी, वेट अ मिनट बेटा, दिस इज नॉट व्हाट दे आर आस्किंग। दे आर आस्किंग यू, ओके, दे आर आस्किंग यू कि अगर हमारे पास, लेट्स इरेज इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं सर्कल पे, जैसे कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ए बी सी, जस्ट सपोज यहाँ सेंटर है सर्कल का। अब सेंटर से मैं इन पे अगर एक लाइन ड्रॉ ऐसे करती हूँ तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारा टर्म है सर्कमफेरेंस। ये याद रखना, ये क्वेश्चंस में कई बार आता है, थिंक हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ अराउंड ऑफ द सर्कल। अब सोचो कभी आपसे पूछा जाए जो सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस क्या है। सर्कमफेरेंस, पहले हम सर्कमफेरेंस समझते हैं। सर्कमफेरेंस इज लेंथ ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कल के केस में हम लेंथ क्यों नहीं कह रहे हैं, बिकॉज इट इज राउंड इन शेप, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ओके, सो अगर मुझे कभी कोई बोले कि जैसे मैंने ये सर्कल रखा था मुझे इसकी लेंथ मेज़र करनी है, सो लेंथ क्या होगी इसकी, अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूँ यहाँ से यहाँ तक इसको मैं अगर मेज़र करूँगी, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सर्कल विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सो आप इसको कैसे मेज़र कर सकते हो, जस्ट सपोज करो आपके पास एक कॉइन है। क्या है, कॉइन। आपने कॉइन लिया, कॉइन के एक पॉइंट पे आपने स्ट्रिंग समझते हैं, धागा धागा रखा और उसे कॉइन के चारों तरफ लेके आए, और जहाँ से स्ट्रिंग रखी थी वहीं पे जब हम लास्ट में आ जाए स्ट्रिंग कट कर दो। तो जितनी स्ट्रिंग तुम्हारे पास आई उसको स्केल से मेजर कर लो, तो जो भी तुम्हारे पास लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगा, उसका सर्कमफेरेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन। हियर देखो, मैंने ये बताया ना, अगर एक सर्कल के अराउंड एक स्ट्रिंग रख लूँ, जहाँ से शुरू किया वहाँ से वहाँ तक एंड करके उसको कट कर लूँ और फिर उसको स्केल की हेल्प से मेज़र कर लूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस। लेट्स सी द एक्सरसाइज। अ सर्कल इज अ, सर्कल क्या है, ओपन फिगर है या क्लोज फिगर है, इट इज़ अ क्लोज फिगर। ओके, अ सर्कल हैव स्ट्रेट साइड्स, नो, सो क्या आएगा, डज नॉट हैव स्ट्रेट लाइन। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4, ओके, रेडियस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इज कितना होगा, पहले ही डायमीटर निकालते हैं, उसका डायमीटर कितना होगा, क्या पढ़ा था हमने, रेडियस इज इक्वल्स टू, वन सेकेंड, डायमीटर निकालना है ना, आई राइट डायमीटर इक्वल्स टू हियर डायमीटर। ओके, आई राइट इन शॉर्ट टर्म, अगर मैं डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करूँ और रेडियस को आर से, सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, करेक्ट, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो रेडियस हमें कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, सो डायमीटर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4, कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। इसी में जो आपका थर्ड वाला फिल इन द ब्लैंक है, इसी में आगे दिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कितना सेंटीमीटर हुआ, बताओ, इजी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस मोर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अभी सीखा था सेंटर से सर्कल पे अगर किसी भी एक पॉइंट पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं,
रेडियस, करेक्ट. और रेडियस हमें ऑलरेडी दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर. सो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 4. नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 12, इट्स रेडियस इज, सिंपल है. रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होता है. अगेन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बेटा रेडियस को आर लिख रही हूँ, डायमीटर को डी लिख रही हूँ. ओके, सो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे. कितनी दी है हमारे पास डायमीटर, 12. सो हाउ यू विल डू इट, 12 डिवाइडेड बाई 2. 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स. तो इट वुड बी 6 सेंटीमीटर. अगेन एक और इसमें पूछा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल. सेम है, सेम जो अभी हमने लास्ट वाले में देखा, डिस्टेंस सेंटर से एक पॉइंट पे सर्कल तक कितना होगा. तो क्या है ये एक्चुअली रेडियस, सो सेम. अभी हमने रेडियस निकाली, कितनी आई, 6 सेंटीमीटर. एक और देख लेते हैं लास्ट वाला, इन द सर्कल ऑफ द डायमीटर इज, डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड अ पॉइंट इज. अब इसमें इन्होंने अलग अलग नहीं पूछा. अभी आपने थर्ड और फोर्थ सिलिंदर ब्लैंक में क्या देखा, पहले वो रेडियस या डायमीटर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है. इसमें इन्होंने सिंपली पूछा है, सर्कल का डायमीटर मैंने दे दिया. ओके, अब मुझे बताओ जो सर्कल, जस्ट सपोज ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, कितना है ये, 20 सेंटीमीटर. कितना है ये, 20 सेंटीमीटर. ऑल राइट, दिस इज 20 सेंटीमीटर. अब उसने बोला है सेंटर से कोई एक पॉइंट ले लो. जस्ट सपोज मैं यही पॉइंट ले लूँ जहाँ पे मैंने डायमीटर ड्रॉ करी है, तो ये क्या हो जाता है, रेडियस. क्या आती है ये, रेडियस. अगेन डायमीटर है, रेडियस निकालना है, सिंपली आपको क्या करना होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होता है. सो 20 बाई 2 इज 10. सो आर आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, इजी है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जस्ट वेट. ओके, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल. अभी हमने समझा सर्किल का कॉन्सेप्ट, कि सर्किल में डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, करेक्ट. अब उसको ड्रॉ कैसे करना है देखते हैं. फर्स्ट है फिक्स अ मेटल टिप. अच्छा, सर्कल ड्रॉ करने के लिए वॉट यू विल नीड, अ कंपस. देखी होगी ना आप लोगों ने सबने कंपस, यहाँ देखो ये है बनी हुई, इसमें एक साइड आप पेंसिल लगा लेते हो, एक साइड आपका एक पॉइंटेड एज होती है, करेक्ट. सो आपको क्या करना होता है, एक पेपर लिया आपने, जस्ट सपोज दिस इज अ वाइट पेपर, आप जो आपका कंपस है उसका जो पॉइंटेड वाला पार्ट है उसको एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं और पेंसिल को उसमें लगा के फिर उसको चारों तरफ ऐसे मूव करते हैं. जैसे इसमें घोरा, देखो इस पॉइंट पे इसको फिक्स कर लिया और पेंसिल से फिर इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना शुरू किया और ऐसे चारों तरफ जब हम गोल गोल घुमा देंगे तो ये बन जाएगा एक सर्कल. देखते हैं, फिक्स अ मेटल टिप ऑन द कंपास ऑन द पेपर, करेक्ट. पहले हमने यही करना है, जो हमारी टिप है उसको एक जगह पर फिक्स कर लेना है. ओपन आउट द आर्म, आर्म ओपन करना है, करेक्ट. पेंसिल फिक्स करनी है उसमें और फिर पेंसिल को एक उस फिक्स्ड पोजीशन पे उसको रख के कंपास को मूव करना है उसके चारों तरफ. ओके, अब पॉइंट ये आता है जहाँ से आपने इसको टिप को रख के ड्रॉ किया सर्कल और ऐसे पूरा जो चारों तरफ है वो इक्वल डिस्टेंस होगा बिकॉज हमने एक ही साथ ऐसे मूव करा है. तो ये जो आया अभी हम, ये क्या आ गया जिस पे रखा हमने पॉइंट रख के सर्कल बनाया है, वो क्या आ गया, सेंटर. और जो यहाँ से उसके सर्कमफेरेंस यानी कि आउटर जो लाइन बनी है उस तक डिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रेडियस. क्या हो जाएगा, रेडियस. ओके, अब द क्वेश्चन इज हाउ विल यू फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल. सिंपल है, डायमीटर क्या होती है, एक एज कोई भी एक ले लो, वहाँ से सेंटर से होती हुई एक लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, इट शुड पास फ्रॉम द सेंटर. ऐसे नहीं कि आपने यहाँ बना दी तो वो डायमीटर नहीं होगी. एक लाइन एक पॉइंट से लेके कहीं दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन करो, बट इट शुड पास फ्रॉम द सेंटर, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. इन द सर्कल नेम द फॉलोइंग. ओके, ये सर्कल दिया है हमें नेम करना है. सेंटर क्या है, ओ. क्या है, ओ. दूसरा क्या पूछा है, डायमीटर. डायमीटर यहाँ पे क्या है, इसमें नेम करना है. तो क्या दो डायमीटर है यहाँ पे, क्या क्या है, एक तो ये है ए बी क्योंकि दोनों सेंटर से पास हो रही है, दूसरी है सी डी. सो हाउ यू विल नेम इट, ए बी कॉमा सी डी. रेडियस क्या क्या है बताओ, क्या क्या है, ओ पॉइंट से सेंटर से स्टार्ट होके सर्कल पे जो पॉइंट होता है उस तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस. तो क्या है, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, दीज आर रेडियस. सो यू कैन राइट इट हियर लाइक
ओ ए कोमा ओ बी कोमा ओ सी कोमा ओ डी. अब लाइन सेगमेंट सी डी, जो लाइन सेगमेंट है हमारा सी डी, ये क्या है? अभी बताया क्या है ये? डायोमीटर. ओके, नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट ओ डी, ये भी अभी बताया. ओ डी क्या है? यहाँ पे हमने लिखा भी था क्या है? रेडियस. ओके, लाइन सेगमेंट ओ बी, अगेन दिस इज ऑल्सो अ रेडियस. लेंथ अराउंड द सर्कल, अभी मैंने ये सिखाया था कि लेंथ अराउंड द सर्कल अगर मुझे निकालनी है, जस्ट सपोज इस ए पॉइंट से स्टार्ट होके मैं ए पे ही एंड करूँ और इसको मुझे मेजर करना हो, लेंथ पूछनी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस. पढ़ा था? करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द इनसाइड एंड आउटसाइड एंड ऑन. ओके, इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन पॉइंट हमने सीखा था क्या क्या होते हैं. फर्स्ट पॉइंट जे, जे पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ है. जे जे, ओके जे जे इज इनसाइड द सर्कल, कहाँ है? इनसाइड द सर्कल. नेक्स्ट पॉइंट इज के. ओके, लेट्स फाइंड आउट के, वेयर इज के के के. ओके, हियर इज द के. सो के कहाँ पे है? इसकी एज पे है. करेक्ट. सो दिस इज ऑन द सर्कल. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज एल, एल इज आउटसाइड द सर्कल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व द थर्ड. मेजर द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, फाइंड द डायमीटर बाय द कैलकुलेशन. ये आपको बेटा खुद करनी पड़ेगी. सिंपली पुट योर स्केल हियर और यू कैन डू दिस थिंग. एक पॉइंट आपको दिया है सेंटर, राइट? ये सेंटर आपको दिया है. आप कोई भी एक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लो, कहीं भी सर्कल पे, कहीं पे भी कर सकते हैं. मैंने एक यहाँ किया. अब स्केल लो, स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को जॉइन करके एक लाइन सेगमेंट बना लो. अब इसको मेज़र कर लो स्केल की हेल्प से. कैसे मेज़र करते हैं पता है ना? ज़ीरो स्केल से स्टार्ट करते हैं. कहाँ से? ज़ीरो से. जस्ट सपोज दिस इज़ अ स्केल, तो इसके ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और जो भी जस्ट यहाँ तक आ रहा है, जस्ट सपोज ये 5 सेंटीमीटर आया. आई डोंट नो कितना है, ये आपको मेज़र करना है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. तो आप कितना लिख देंगे? इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. इन द सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस. अब क्या आया? ये रेडियस आया है. सो डायमीटर कैसे निकालना है पता है ना? रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके. देयर इज़ वन मोर वे. मैंने बताया था सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स लो और उसमें एक लाइन सेगमेंट करो, बट कंडीशन ये है कि वो लाइन सेगमेंट सर्कल से पास होके जाना चाहिए. तो ये सिंपली आपकी क्या हो जाएगी? डायमीटर. आप यहाँ पे स्केल रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मेज़र कर सकते हैं. तो आप डायरेक्टली डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग रेडियाई क्या है. एक्चुअली जो हमारा रेडियस होता है ना, रेडियस, उसको हम जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको रेडियाई लिख देते हैं. ओके, तो अब हमें इनकी रेडियस निकालनी है जो कि डायमीटर दिया है. तो सिंपली हमें क्या करना होता है? डायमीटर को 2 से डिवाइड. तो ये कितना हो जाएगा? 8. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 2, डिवाइड कर सकते हैं ना? 2 5 10. अगेन 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 7. सिंपल है. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस. इस बार क्या दिया है आपको? रेडियस दिया है. आपको डायमीटर निकालना है. सो डायमीटर निकालने के लिए रेडियस को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 2. सो तो कितना डायमीटर हो जाएगा? 20. इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28. अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. लेट्स यू कैन से रिवाइज वॉट एवर वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर. MCQ देखते हैं. यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ विच ऑफ दीज. आप इसमें से किसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? रिमेंबर हमने पढ़ा था लाइन रे, लाइन सेगमेंट क्या होता है. करेक्ट. लाइन क्या होता है? जो दोनों तरफ इनफाइनाइटली मूव कर रही होती है. देर इज़ नो लिमिट. रे में क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है, बट एक पॉइंट पे वो इन्फिनिटली मूव कर रही होती है. यू नेवर नो कि क्या एंड पॉइंट है. लाइन सेगमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ करी हुई लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं. तो लेंथ में इसमें से किसकी मेज़र कर सकती हूँ? क्या इसकी मेज़र कर सकती हूँ? नो, बिकॉज मुझे एंड पॉइंट ही नहीं पता. तो मैं कैसे लाइन इसकी मेज़र करूँ लेंथ को? नहीं कर सकती. अगेन इसमें भी एक तो पता है पॉइंट, लेकिन दूसरी साइड का तो पॉइंट नहीं पता है. तो मैं अगेन इसकी लेंथ नहीं मेज़र कर सकती. तो सिंपली लाइन सेगमेंट की मैं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ 2 फिक्स पॉइंट्स हैं.
नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज क्लोज फिगर हैज अ कर्व्ड साइड. इन क्लोज फिगर में से कर्व साइड किसकी है? ट्राइंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है. सो इसकी कर्व साइड है? नो. पॉलीगन भी, पॉलीगन हमने पढ़ा था, स्पेशली पढ़ा था, सिर्फ वो किससे मिलके बनते हैं? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं. करेक्ट. स्क्वायर, स्क्वायर अगेन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. सर्कल इज द ओनली वन जिसमें कर्व साइड होती है इन ऑल दीज फोर ऑप्शंस. इन फोर ऑप्शंस में अदरवाइज और भी फिगर्स हैं जिसमें कर्व लाइन बनेगी, बट इन चारों की बात करें तो सर्कल इज द वन जिसमें कर्व लाइन बन रही है, साइड्स हैं. तो दिस इज द आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी डायमीटर्स डज द सर्कल हैव? कितनी डायमीटर होती है सर्कल के? नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज हियर. हमने क्या पढ़ा कि अगर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी डायमीटर है. तो अगर मैंने यहाँ जस्ट सपोज थ्री लाइन ड्रॉ करी है और लाइन सेगमेंट, तो ऐसा नहीं है कि इसकी थ्री डायमीटर होगी. नो नो नो, डायमीटर एक ही है. आप कहीं से भी मेज़र करेंगे इसका सेम ही मेज़रमेंट आएगा. आप यहाँ से यहाँ मेज़र कर लो, यहाँ से यहाँ कर लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. सो डायमीटर एक ही है. ओके, देयर इज ओनली वन डायमीटर. विच ऑफ दीज ईदर टचेस और पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल? ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल को टच करते हैं या उससे पास करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. क्या रेडियस सेंटर ऑफ द सर्कल को टच या पास करती है उससे? डेफिनेटली, क्योंकि रेडियस जो हम मेज़र करते हैं सेंटर से सर्कल का, जो एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं उसके डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज टचिंग द सेंटर. ओके, अगेन सेकेंड वन क्या है? डायमीटर. डायमीटर तो सिंपली वही है जो सेंटर से पास हो रहा है. सो ऑल्सो, सो आंसर क्या है? बोथ. आर आंसर इज सी. वॉट इज आर आंसर? सी. द डिस्टेंस फ्रॉम विच, नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम विच दीज पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. द डिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ द सेंटर of the circle to the center of the circle is equal to the radius of the circle. अच्छा, सेंटर से लाइन जब ड्रॉ करते हैं उस, अगर और मुझे अगर रेडियस मेजर करनी है तो कौन किस जगह पे पॉइंट होना चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा है. समझ आया क्या बताया था मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन में? यहाँ बताया था ना रेडियस के लिए कैसे करते हैं, सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट लेके उसको मेज़र करते हैं तो रेडियस आता है. सिंपल, इसमें भी यही पूछा है कि सेंटर से अगर मुझे रेडियस मेज़र करनी है तो पॉइंट कहाँ लूँ, कहाँ तक मेज़र करूँ? सो पॉइंट शुड बी ऑन द सर्कल. इज़ इट पॉसिबल कि इनसाइड या आउटसाइड वाला सर्कल का रेडियस हो सकता है? नो, नेवर. ऑलवेज द पॉइंट शुड बी ऑन द सर्कल, तभी आप उसका रेडियस मेजर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो दैट वॉज इट अबाउट द ज्योमेट्री. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, गुड बाय.